नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ऊंचे, या कह लें हम कि विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के बारे में। भारत के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बता दें कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। पिछले दिनों जब इस पुल के दोनों सिरे गोल्डन ज्वाइंट से जुड़े तो मानो जैसे जश्न का माहौल हो गया हो। आतिशबाजियां शुरू हो गई, राष्ट्रगान होने लगा और भारत माता की जय के नारों से मानो पूरा इलाका गुंजायमान होने लगा। पुल के निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर और कर्मचारियों में जैसे उल्लास देखने को मिला। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कार्य भारतीय रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। इस रेल पुल का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत चिनाब नदी पर जो है 359 मीटर की ऊंचाई पर पुल का अंतिम आर्क जुड़ते ही कौड़ी और बक्कल रेलवे स्टेशन आपस से जुड़ गए। बताया जा रहा है कि यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि पुल का अभी 98% कार्य ही पूरा हुआ है। पुल को चालू होने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसकी शुरुआत की जा सकती है। बता दें कि यह पुल भारत की ही नहीं दुनिया के रेलवे इतिहास का सबसे ऊँचा पुल है। इस पुल को बनने में कुल 1436 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस पुल में 17 स्तंभ पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। इस पुल को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इस पुल को 8 रिएक्टर पैमाने पर आने वाले भूकंप को भी आसानी से सहने की क्षमता है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यह पुल जो है 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है तो उससे भी इस पुल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। 13 अगस्त को जब इस पुल के आर्क को जोड़ा जा रहा था उस समय एक तिरंगा रैली निकाली गई थी जो कि कौड़ी की ओर से शुरू हुई और यह रैली जो है आर्क स्टेशन को जहां जोड़ता है वहां तक पहुंची। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगते रहे, पूरा इलाका मानो भक्तिमय हो गया हो। दुनिया के सबसे ऊंची रेल पुल के मेहराब का काम पिछले साल अप्रैल महीने में शुरू हुआ था। बता दें कि इस मेहराब का कुल वजन 10,619 मीट्रिक टन है। बता दें कि इस पुल का निर्माण भी क्रेन की मदद से किया गया है जो कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस पुल के बनाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण कर रहे अल्फांस के अधिकारियों ने बताया कि इस पुल का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस पुल की एक चुनौती के रूप में कंपनी ने लिया था जिसमें हर तरह के मटेरियल बेहतरीन लगाया गया है, भूकंपरोधी बनाया गया है। साथ ही साथ इस पुल को लेकर कर्मचारियों ने कहा कि इतिहास में इस पुल को बनाने वालों का नाम लिखा जाएगा। चिनाब नदी पर बना यह पुल विश्व का सबसे ऊँचा रेल पुल है जो कि एक अजूबा है। इस पुल को देखने के लिए लोग यानी कि देश से और दुनिया से भी आएंगे। इस पुल को बनाने में कुल 1300 कर्मचारियों का अपना योगदान दिया जिसमें कि 300 इंजीनियर दिन रात की मेहनत कर रहे थे। बता दें कि इस पुल का निर्माण कार्य साल 2004 में शुरू किया गया था लेकिन कुछ परेशानियों के कारण इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। साल 2008-2009 में तेज हवा के कारण इस पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया था लेकिन अब यह पुल लगभग बनकर तैयार है। कहा जा रहा है कि इस पुल का निर्माण 120 साल को ध्यान में रखकर किया गया है यानी कि 120 साल तक यह पुल जो है वह चलने वाला है। तो आज हमने जाना कि भारत में जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है जो कि चिनाब नदी पर स्थित है और यह कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो ये थी रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।